हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स क्या आप जानते हैं कि स्लाविया की रियर सीट फोल्ड करके इसमें 1000 थाउजेंड लीटर से ज़्यादा की लगेज कैपेसिटी मिलती है अगर आप थोड़ा तो स्लाविया लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम इसके एक्सटीरियर इंटीरियर का डिटेल्ड वॉक अराउंड करेंगे एंड वी विल ऑल्सो यू अबाउट इट्स फीचर्स इंजन स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज लॉन्च एंड कलर्स सो दैट आप अपना परचेज डिसीजन अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए वी थ्री कार्ड को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे जा सकते हैं प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्ग स्लाविया के एक्सटीरियर डिजाइन में ऑक्टाविया और सुपर्ब की वाइब है विच इज अ गुड साइन अलॉन्ग इट्स लार्ज साइज दिस इज मार्केट अकेटा दैट लुक्स अप इसकी लार्ज ग्रिल इसके फ्रंटल डिजाइन की हाईलाइट है इसमें ऑलमोस्ट वर्टिकल ग्लॉसी ब्लैक स्लैट्स हैं और साइड्स पे क्रोम डिटेलिंग है सिमिलर क्रोम डिटेलिंग फॉग लैम्प हाउसिंग के टॉप पे भी है ये फॉग लैम्प्स हैलोजेंट टाइप हैं बट हेड हेडलैम्प्स आर एल प्रोजेक्टर यूनिट्स सो द ओवरऑल बीम इज़ वाइट एंड येलो हेड हेडलैम्प्स में सिंगल लेंस ही है विच प्रोजेक्ट्स बोथ लो एंड हाई बीम इन हेड हेडलैम्प्स में एल ई भी इंटीग्रेटेड हैं बट दीज आर नॉट डूअल फंक्शन यूनिट्स और टर्न इंडिकेटर्स रेगुलर बल्ब ही हैं यू वुड रिमेंबर कि स्लाविया की एक्सपेक्टेड डिटेल्स वीडियो में हमने मेंशन किया था कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मोस्ट लाइकली इसके राइवल्स से बेटर होगी एंड दट हैज़ टर्नड आउट टू बी ट्रू इसकी 179 सेवेंटी mm नाइन की ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में बेस्ट है और विजुअली ये रेज्ड भी लगती है लेकिन इसके राइवल्स की तरह इसमें भी सिक्सटीन इंच पील्स ही आते हैं स्लाविया के फ्रंट फेंडअप स्कोडा की बैजिंग और डोर हैंडल्स ऑफ विंडोज़ के नीचे क्रोम डिटेलिंग इसके साइड डिज़ाइन के नोटेबल एलिमेंट्स हैं आई वुड लाइक अगर वन फिफ्टी पी एस स्लाविया में ब्लैक शार्कफिन एंटेना की तरह एलोई व्हील्स और ओ आर वी एम्स भी ब्लैक होते हैं सो एज़ टू गिव इट अ स्पोर्टी अपील मुझे पर्सनली स्लाविया का रियर इसके फ्रंट से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा इसकी लार्ज स्कोडा लेटरिंग और अप साइड डाउन एल शेप्ड टेल लैम्प्स आई क्या एलिमेंट्स हैं इसके टेल लैम्प्स एल ई डी टाइप हैं लेकिन रियर टर्न इंडिकेटर्स भी बल्ब ही हैं इसका बूट कन्वेंशनल थ्री बॉक्स डैन की तरह ही ओपन होता है और यहाँ फाइव ट्वेंटी वन लीटर की स्पेस है इट्स द बेस्ट इन सेगमेंट इसकी रियर सीट भी 60-40 स्प्लिट है तो अनयूजुअली लॉन्ग आइटम्स कैरी करने का भी स्कोप है यहाँ बूट में एक लैम्प है और बूट फ्लोर के नीचे 16 इंच का स्पेयर टायर है इसके अराउंड पंक्चर रिपेयर किट रखने की जगह भी है ओवरऑल आई फील के 150 फिफ्टी पी लाविया थोड़ा और स्पोर्टी एक्सटीरियर डिजर्व करती है बट आई एम रियली इम्प्रेसड विद द फैक्ट कि ये दिखने में बड़ी लगती है और इसके प्रोपोर्शंस प्लीजिंग हैं आई फील द डिज़ाइन इज अंडरस्टेटेड बट इट फील्स लाइक इट बिलोंग्स टू द डी सेगमेंट कैटेगरी चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं स्लाविया में बेज ब्लैक इंटीरियर आता है एंड आई रियली लाइक द लाइट बेज कलर विच मेक्स इट फील अप पॉकेट इसके डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है लेकिन मिडल में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है जिसमें इन्फर्टेनमेंट सिस्टम के नीचे डॉटेड सरफेस है और लेफ्ट टू राइट एक लाइट ब्राउन प्लास्टिक लेयर है विथ क्रोम ट्रीटमेंट देर इज ऑल्सो एम लाइटिंग है जो डे लाइट में विजिबल नहीं है डिस्पाइट द मल्टीपल सर्फेस ट्रीटमेंट्स इसका डैशबोर्ड डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता एंड इट इज प्लीजिंग टू द आई आई लाइक द फैक्ट कि स्लाविया का एयरकॉन पैनल और सेंटर कंसोल एक यूनिट नहीं है जैसे कुशक में है ये अरेंजमेंट दिखने में ज़्यादा प्रीमियम है इसका सेंटर कंसोल स्टर्डी है और ग्लव बॉक्स लिट की फिटमेंट भी सैटिस्फैक्ट्री है ग्लव बॉक्स में ओनर्स मैनुअल के अलावा बॉटल्स रखने की स्पेस है और इसके अलावा फ्रंट डोर्स में पॉकेट्स हैं फ्रंट आर्म रेस्क में वॉलेट रखने की स्पेस है और सेंटर कंसोल में हैंड ब्रेक के पास और गेयर लीवर के आगे फोन्स रखने की जगह है लीवर के आगे की स्पेस में वायरलेस चार्जर और एक फ़ोन रखने की स्पेस है एंड देर आर टू यू सी सॉकेट्स एज वेल और गेयर लीवर के पीछे एक ट्वेल्व वोल्ट सॉकेट है गेयर लीवर के अराउंड सेंट्रल लॉकिंग इंजन स्टार्ट स्टॉप और फ्रंट सीट वेंटिलेशन के कंट्रोल्स भी हैं और इसके आगे एसी कंट्रोल्स का टच पैनल है जिसके ऊपर 10 इंच टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है विच इज पेयर्ड विद एट स्पीकर एंड अ सब वूफर इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील पे भी हैं जो खुशक में भी आता है टॉप पेरियड में ये लेदर रैप्ड है एंड इट रियली फील्स गुड टू होल्ड स्टेयरिंग व्हील पे एट इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के भी कंट्रोल्स हैं और इस क्लस्टर का डिस्प्ले क्रिस्प है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इसमें पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे और ड्राइवर के परस्पेक्टिव से ऑडोडिमिंग आई आर वी एम हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग एडजस्टमेंट जैसे यूजफुल फीचर्स भी हैं इसकी फ्रंट सीट अकोमोडेटिंग है एंड इट इज़ रियली कम्फर्टेबल ड्राइवर के परस्पेक्टिव से डैशबोर्ड ज़्यादा अपराइट नहीं है बट यू सिट लो इन द कार तो बोनेट विजिबल नहीं है चलिए अब इसके रियर केबिन में चलते हैं स्लाविया के रियर में इनग्रेस इजी है बट यू सिट डीप इनसाइड द कार तो इग्रेस के टाइम यू हैव टू स्क्वाट अ लिटल फ्रंट सीट को फाइव फीट एट इंच ड्राइवर की कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके यहाँ मेरे लिए मोर देन नी रूम है और फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की स्पेस भी है आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड लेग स्पेस है बिकॉज ऑफ इट्स ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी वन एम एम व्हील बेस जो सियास के व्हील बेस से भी वन मिलीमीटर mm बड़ा है इसकी रियर सीट के बेस और बैक पे कुशन अच्छा है आई थिंक इट विल बी अ कम्फर्टेबल कार फॉर टू एडल्ट एंड अ चाइल्ड ऑल दो स्लाविया में थ्री एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स आते हैं रियर पैसेंजर्स के परस्पेक्टिव से एयर कॉन्वेंट्स टू यू एस बी सी चार्जर्स रियर सीट पॉकेट्स विद फोन होल्डर्स और डोर पॉकेट्स बाकी नोटेबल फीचर्स हैं कंसिडरिंग द स्पेस ऑन ऑफर एयर वी वुड हैव लाइक अगर इसमें रियर डोर कर्टन्स रियर एम्बियट लाइटिंग और ट्वेल्व वोल्ट सॉकेट जैसे फीचर्स भी होते ओवरऑल स्लाविया का केबिन अप पॉकेट लगता है ये स्पेशियस है एंड इट फील्स लाइक यू आर सेटिंग इन अ बिग का चलिए अब इसके कुछ कन्फर्म्ड फीचर्स देखते हैं स्लाविया के स्टाइल वेरिएंट में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा कर्टन एयरबैग्स सनरूफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एलईडी ई डी एलईडी एल फॉग लैम्प्स रियर डी फॉगर सिक्सटीन इंच एलॉय व्हील्स क्रोम डोर हैंडल्स शाकफिन एंटेना ऑटोडिमिंग आई आर वी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लेदर अपोल्ट्री और लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील जैसे सेफ्टी और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स आते हैं आप स्लाविया स्टाइल के सेफ्टी और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं टॉप एरियन में टेन इंच टच स्क्रीन एन्फरटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद वायरलेस एप्पल कापले एंड एंड्रॉइड ऑटो एट स्पीकर एंड सब वूफर एंड स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग क्रूज कंट्रोल पैडल शिफ्टर्स वायरलेस चार्जर ऑटो ए सी वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स फ्रंट आर्म रेस्ट एडजस्टेबल रियर हेड रेस्ट्स और रियर ए सी वेंट्स विद यू एस बी सी पोर्ट स्लाविया स्टाइल के नोटेबल फंक्शनल फीचर्स हैं आप स्लाविया स्टाइल के एंटरटेनमेंट और फंक्शनल फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं चलिए अब इसके इंजन देखते हैं स्लाविया में दो टर्बो पेट्रोल इंजन आते हैं वन लीटर इंजन जो 115 पीएस की मैक्सिमम पावर और 178 न्यूटन मीटर की पीक पिकटॉक प्रोड्यूस करता है और 1.5 लीटर इंजन जो 150 पीएस की मैक्सिमम पावर 250 न्यूटन मीटर की पीक पिकटॉक प्रोड्यूस करता है स्लावियो वन लीटर की परफॉर्मेंस इसके राइवल से कंपेरेबल है लेकिन इसका वन लीटर इंजन इस सेगमेंट की बाकी सभी कार से ज्यादा पावरफुल है दोनों इंजन के साथ सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी है अ टॉक कन्वर्टर विद द वन लीटर इंजन एंड अ डुअल क्लच ऑटोमेटिक विद द 1.5 लीटर इंजन चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस लॉन्च टाइमलाइन और कलर्स देखते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। स्लाविया की बुकिंग ओपन है विद बुकिंग अमाउंट ऑफ इलेवन थाउजेंड रुपीज इसका लॉन्च और डिलीवरी ट्वेंटी के फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्ट होंगी हैविंग सीन द स्लाविया इन पर्सन हमें लगता है कि इसका प्राइस इलेवन लाख रुपीज से स्टार्ट होगा और एटीन लाख रुपीज तक जा सकता है स्लाविया में ग्रे सिल्वर वाइट रेड और ब्लू कलर्स का ऑप्शन है एंड आई फील इट लुक्स बेस्ट इन ब्राइट कलर्स लाइक ब्लू एंड रेड इन द फर्स्ट लुक हम इस्लाविया ने काफ़ी इंप्रेस किया इसका साइज़ पावर ट्रेन ऑप्शन फीचर्स दिज ऑल मेक फॉर अ कम्प्लीट पैकेज इसकी लुक्स अट्रैक्टिव हैं और इंटीरियर स्पेशियस है एंड आई फील कि अगर आप कोई सडैन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इस्लाविया के प्राइस अनाउंस होने तक का वेट ज़रूर करना चाहिए और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो वी होप इसे देखने के बाद यू हैव गॉट सम क्लैरिटी ऑन द दोडा स्लाविया अगर आपके स्लाविया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं हमारी वीडियोज के रिगार्डिंग सजेशन हैं तो प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएँ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट वी थ्री कास्ट डॉट कॉम पर भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं